हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे किचन में। आज हम बनाएंगे आलू पकोड़े। पकोड़े का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और उसमें भी आलू के पकोड़े, वो तो सभी को पसंद होते हैं। तो चलिए, बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर डाले बाजार में जैसे फूले फूले पकोड़े मिलते हैं, वैसे ही पकोड़े हम घर पे बनाते हैं। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाइए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू को छील लिया है और फिर उसकी स्लाइसेस कर ली है। आलू की स्लाइसेस आप चाकू से या फिर पोटैटो स्लाइसर के, जिसे हम वेफर्स यानी कि चिप्स बनाते हैं, तो उसकी मदद से कर सकते हैं। स्लाइसेस हमें चिप्स के जितनी पतली नहीं, थोड़ी सी मोटी करनी है। मैंने सारे आलू के स्लाइसेस करके उसे पानी में रख दिया है। तो चलिए अब हम बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है एक बर्तन, और उसमें 2 कप बेसन ले लिया है। फिर उसमें हम डालेंगे 1/4 कप राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर या फिर आरारूट डाल सकते हैं सेम क्वांटिटी में। फिर उसमें हम पानी डालेंगे, 1 कप जितना पानी जाएगा उसमें। अब उसको मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो उसको हाथों की मदद से, या तो विक्स की मदद से, या फिर चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं, या फिर ब्लेंडर भी चला सकते हैं, पर देखिएगा उसमें कोई लम्स ना रहे। तो देखिए, बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम उसमें मसाला डालेंगे। मसाले के लिए मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, और स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। फिर हम उसमें 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हाथों की मदद से मसल लेंगे थोड़ा सा, जिससे कि उसका टेस्ट बढ़िया आता है। आप चाहे तो अजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं, पर अजवाइन से पकोड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, एक बार डाल के देखिए। आप उसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अभी के लिए मेरे पास नहीं था और बारिश भी शुरू है, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। और सबको अच्छे से मिक्स करके हम अपना बैटर बना लेते हैं। बैटर को जितना हम फेंटेंगे उतना ही हमारे पकोड़े फूले फूले बनेंगे। पकोड़े फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। तो उसी कढ़ाई में से 1 टेबलस्पून ऑयल हम इस बैटर में डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमने बैटर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बैटर ना तो पतला है ना तो बहुत गाढ़ा है, तो हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए पकोड़े के लिए। अब जो हमने आलू की स्लाइस की थी, उसे एक कपड़े में निकाल कर उसे दूसरे कपड़े से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब पकोड़े को फ्राई करते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छे से फेंटा, फिर उसमें 3-4 आलू की स्लाइसेस डाल दी, और फिर बैटर वाले बर्तन को कढ़ाई के पास ले जाकर एक एक आलू की स्लाइस को बैटर में डीप करके ऑयल में डालती जा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा किचन बहुत गंदा नहीं होगा। ऑयल कितना गर्म होना चाहिए ये चेक करने के लिए आप चाहे तो एक आलू की चिप्स ले, उसे बैटर में अच्छे से डीप कर ले, और फिर उसे ऑयल में डालकर चेक कर ले। अगर ऑयल में बबल्स आ रहे हैं तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो आप बाकी की स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखना है। तो देखिए, हमने दूसरी साइड भी पकोड़े को पलट दिया है। ऐसे उलट पुलट करके आप अच्छे से उसको फ्राई कर दें। तो अब हम ऑयल में से उसे निकाल देंगे। तो देखिए, बन गए हमारे फूले फूले बाजार में मिलने वाले आलू पकोड़े के जैसे ही पकोड़े। हमने ये घर पे बनाए हैं तो उसकी क्वालिटी भी बढ़िया है। तो आप भी ऐसे आलू पकोड़े पहली बार में ही बना सकती हैं, तो घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को प्रेस करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।